हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस अकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग बता दो, जो ग्रुप डी का आंसर की आप लोग का जारी किया गया था, उसी को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। 30-35 वालों का हुआ है फायदा। ध्यान दीजिएगा, जिसके 30-35 क्वेश्चन सही हो रहे थे वो अटेम्प्ट ज़्यादा करके आए थे। जैसे 60-65 क्वेश्चन किए थे उनका जो है आंसर शीट की आई थी, तो उसमें 30-35 क्वेश्चन ही दिखा दे प्रश्न दिखा रहे थे कि वो अटेम्प्ट किए हैं या उनके द्वारा किया गया है। उसी को लेकर आंसर की फिर से जारी की गई है, उनमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यदि आप लोग अभी तक चेक नहीं किए तो आप लोग एक बार जरूर अपना आंसर की चेक कीजिए। कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। इस वीडियो को आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, महत्वपूर्ण सूचना आती है रेलवे से रिलेटेड, तो आप लोग को अपडेट कर दिया जाता है। आप लोग बता दो, बहुत लोग बच्चों को जानकारी नहीं है, क्योंकि आंसर की पहले ही जारी की जा चुकी थी, जिसमें बहुत सारे बच्चों का कहना था कि वो एग्ज़ाम में 55, 60, 65, 70 क्वेश्चन करके आए थे, जिसमें उनके 35, 40, 30, 35 क्वेश्चन ही आंसर की में शो हो रहे हैं, बाकी क्वेश्चन उनको हटा दिया गया है। यानी रेलवे द्वारा गड़बड़ी जरूर की गई थी। इसी को लेकर बहुत सारे बच्चे दो से थोड़ा सा तनाव में आ गए थे, गुस्से हो गए थे। इसी को लेकर रेलवे के द्वारा रेलवे को भी फिर से ऑब्जेक्शन लेना पड़ा, फिर से आंसर की जारी करनी पड़ी, फिर से उनका जो है आंसर की सही कर दिया गया है। और आप लोग बता दो, जो आपको लोग लग रहा हो कि रेलवे के द्वारा गलत आंसर दिया गया, तो आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर लीजिएगा। यदि आप लोग कंफर्म लग रहा कि ये आंसर गलत है, रेलवे के द्वारा आंसर गलत बताया गया है, आप लोग का आंसर सही है, तो आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर लीजिए। पैसे के ऊपर नहीं जाएगा, आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर लीजिएगा। यदि आप लोग को कंफर्म नहीं पता चल रहा है, तो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, फेसबुक पे भी ग्रुप बनाया गया, आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, या आप लोग पर्सनली आके मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर, आप लोग को रिप्लाई भी किया जाएगा। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी जाएगी। आप लोग मेरे से भी पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताया जाएगा हर संभव, यदि जो आप लोग को आंसर मिल जाएगा तो ठीक है, कन्फर्म होगा तो। और कुछ भी अपडेट आता है तो आप लोग को अपडेट कर दिया था। और आप लोग को बता दूं, आंसर की जारी होने के बाद आप लोग कट ऑफ क्या हो सकता है, आप लोग बहुत ही जल्द उसके ऊपर भी वीडियो बनने वाली ऑफिशियली कट ऑफ के ऊपर, आप लोग उसके भी चैनल वीडियो को देखना है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग एक्यूरेट कट ऑफ बताया जाता है। आप अभी तक देखे होंगे जितने भी चैनल में वीडियो डली है, जो भी कट ऑफ बताया था, एक दो नंबर फर्क पड़ता नहीं तो वही कट ऑफ आप लोग का जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।